ونستعينه بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما معزز حاضرين دینی اور ملی بھائیوں اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک ایسا دین عطا فرمایا ہے جو کہ سماحت والا دین ہے آسانی والا دین ہے یسر والا دین ہے اس کے اندر اس کے احکام کے اندر कोई हरज और मशक्कत नहीं है इसके जितने भी अहकाम हैं वो सब आसानी पर और तसहीलात पर मबनी है हमारा दीन हमसे ये चाहता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे ऊपर जो चीजें वाजिब की हैं हम उनकी अदायगी करें हम उन वाजिब चीजों के अलावा कोई ऐसी चीज जो हमारे दीन ने हमारे ऊपर वाजिब नहीं करताना है हम उसको अपने ऊपर वाजिब ना कर लें इसी तरह से बहुत सारी चीजों को हमारे दीन में मुस्तहबात का और सुनन का दर्जा है हमारा दीन हमसे चाहता है कि हम उन मुस्तहबात और सुनन पर भी अमल करें लेकिन हम अपने आप को अपने नफ्स को इस कदर सुनन का मुकल्लफ ना बना लें कि बाद में हम उसकी इस्तेदात ना रखें या वो हमारे ऊपर भारी पड़े और इसी का नाम है तहजीर जिसका जिक्र कुरान और अहादीस के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जगह 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 पर किया है और हमें ये बताया है कि हमारे दीन के अंदर कोई हरज और मशक्कत नहीं है हमारे दीन के अंदर ये मतलूब नहीं है कि बंदा अपने आप को उन चीजों का मुकल्लफ बना ले जो उसके ऊपर भारी हो जो बाई से मशक्कत हो और आगे चल करके जिनको पूरा ना कर सकता हो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसमें आप फरमाते हैं इन्ना हादा दीन युस्रुन ये दीन आसान है इस दीन के जो अहकाम है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऑलरेडी उनको आसान करके नाज़िल फरमाया है वमन युशा वलन युशाद दीन अहद इल्ला गलबहु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे फरमाते हैं कि इस दीन के अंदर जो भी सख्ती करेगा वो सख्ती उसके ऊपर गालिब आ जाएगी इसका मतलब यह है कि अगर कोई अपने आप को ऐसे अहकाम का ऐसे कामों का मुकल्लफ बना लेता है जो हमारे दीन में मतलूब नहीं है या जो सख्ती हमारे दीन में मतलूब नहीं है अगर कोई अपने आप पर वो सख्ती आयद कर लेता है तो वो उसके ऊपर गालिब आ जाएगी और आगे चल करके उसे करने की वो इस्तेदाद नहीं रखेगा
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस है, बाद सहाबे कराम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजवाज के पास हाजिर हुए, ये पता करने के लिए हाजिर हुए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के बाहर जो इबादतें करते हैं वो तो हम देखते हैं, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में क्या करते हैं हम वो पता करते हैं ताकि हम भी वो करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों से उन्होंने पूछा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में क्या इबादतें करते हैं, तो जब उन्हें बताया गया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादतों के बारे में कि घर में आप ये इबादत करते हैं, फकअन्नहुम तकाल्लुहा, हदीस के अल्फाज हैं कि उनको जब उन्होंने सुना तो उनको महसूस हुआ कि ये तो ज्यादा नहीं है, ये तो बहुत थोड़ा है, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि भाई ये वो तो अल्लाह के रसूल हैं, उन्हें ज्यादा इबादत करने की क्या जरूरत है, अल्लाह ताला ने उनके अगले पिछले गुनाह माफ कर दिए हैं, लेकिन हम तो उनकी तरह नहीं है ना, हमें तो ज्यादा इबादत करने की जरूरत है। तो उसमें से एक शख्स ने कहा कि मैं पूरी पूरी रात नमाज पढ़ूंगा, मैं सोऊंगा नहीं। एक शख्स ने कहा मैं पूरे साल रोजा रखूंगा, कंटिन्यू रोजा रखूंगा, मैं इफ्तार नहीं करूंगा। एक शख्स ने कहा मैं शादी नहीं करूंगा, मैं अपने आप को अल्लाह की इबादत के लिए फारिग कर लूंगा, बीवी बच्चों के झंझट में नहीं पड़ूंगा, मैं शादी नहीं करूंगा और सिर्फ अल्लाह की इबादत करूंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये खबर मिली, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों से कहा, आपने कहा कि तुम में से अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाला मैं हूँ, सबसे ज्यादा तक्वा इख्तियार करने वाला मैं हूँ, अल्लाह की सबसे ज्यादा खशियत और उसका खौफ मेरे अंदर है, उसके बावजूद भी मैं रात में मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, सोता भी हूँ, मैं रोजा भी रखता हूँ, इफ्तार भी करता हूँ, और मैंने शादियां भी की हुई हैं, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज्यादा शादियां की हुई हैं जो उनके लिए खास था। फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैस मिन्नी, ये मेरा तरीका है, ये मेरी सुन्नत है, अगर कोई इस सुन्नत से एराज करेगा फलैस मिन्नी तो वो हम में से नहीं है। देखिए उन सहाबे किराम ने अपने आप पर अपने नफ्स पर उन चीजों का बोझ डालना चाहा जो हमारी शरीयत में मतलूब नहीं है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से उससे मना फरमा दिया। इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस है कि एक बार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास तशरीफ लाए, वहां पर एक औरत मौजूद थी, कबीला बनू असद की कोई औरत थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा ये औरत कौन है, तो आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उसके बारे में बताया और बताया कि ये फलां औरत है, ला तनामुल्ले, ये औरत पूरी रात इबादत करती है, सोती नहीं है, अल्लाह की इबादत करने के लिए पूरी पूरी रात जागती है, सोती नहीं है, ये इतनी अच्छी औरत है, और उन्होंने उसकी नमाजों का जिक्र किया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मह अलैकुम मा तुतीकून मिन अल आमाल, ऐसा मत करो, ऐसा करने से रुक जाओ, अपने आप को उन्हीं आमाल का मुकल्लफ करो जिनकी ताकत तुम्हारे अंदर है, जिनकी ताकत तुम्हारे अंदर नहीं है उसका मुकल्लफ मत करो, ये हमारे दीन के अंदर मतलूब नहीं है। जाहिर है कोई आदमी अगर ये आदत बनाना चाहे कि मैं पूरी पूरी रात सोऊंगा, पहली बात पूरी पूरी रात जागूंगा, इबादत करूंगा, पहली बात तो ऐसा कर नहीं सकता, और अगर वो ऐसा करता है तो दिन के अंदर उसके ऊपर जो आए जिम्मेदारियां हैं उनके अंदर कमी और कोताही होगी, तो ये चीज हमारे दीन के अंदर मतलूब नहीं है। इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस है, तकरीबन उसके भी यही अल्फाज है, आप फरमाते हैं या अय्युहन नास खुदू मिनल आमाल मा तुतीकून, ऐ लोगो वो आमाल इख्तियार करो, वो इबादतें करो जिनकी तुम ताकत रखते हो, अपने आप पर एक्स्ट्रा बोझ मत डालो जिसकी तुम ताकत नहीं रखते हो। सामने कराम मालूम ये हुआ कि ये हमारे दीन का एक बुनियादी उसूल है कि जो वाजिबात हैं उन्हें बिना कमो काज करना है, जो मुस्तहबात और सुनन है हमें उतना करना है जितना करने से हमारे ऊपर एक्स्ट्रा मशक्कत और हरज लाहिक ना हो। अगर हम अपने आप को अपनी इस्तेआत से ज्यादा मुकल्लफ बनाते हैं तो
ये कोई ममदूह चीज नहीं है, ये कोई काबिले तारीफ चीज नहीं है हमारी शरीयत के अंदर। लेकिन कई चीजें या कई दफा हमारे मुआशरे में कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारी शरीयत ने हमारे ऊपर वाजिब नहीं किया है, लेकिन हम उन्हें अपने ऊपर वाजिब कर लेते हैं। उन्हीं में से एक चीज है नजर मानना। ये हमारे समाज में बहुत ज्यादा आम है, नजर मानने का रिवाज हमारे समाज में बहुत ज्यादा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि मुख्तसर अंदाज में नजर के जो मसाइल हैं, उसके जो अहकाम हैं, उसके सिलसिले में हमसे जो कोताहियां होती हैं, शरीयत की जो तालीमात हैं, हम कहां कहां पर हमसे उसके खिलाफ वर्जी होती है, उस बारे में मुख्तसर अंदाज में गुफ्तगू हो जाए ताकि आपको इस अहम मसले का इल्म हो जाए। सामने कराम, पहली बात तो नजर कहते किसको है? शायद आप सब लोगों को पता हो कि नजर का मतलब यह है कि कोई इंसान ये कहे कि अगर मेरा फला काम हो गया तो मैं ऐसा ऐसा करूंगा, यानी किसी काम के करने को किसी काम पर मुअल्लक बनाए। मेरा फला काम हो गया तो मैं फला काम करूंगा, इसको नजर कहा जाता है। फुकहा ने नजर की बहुत सारी तकसीमात की है मुख्तलिफ एतबारात से, लेकिन यहां पर हमारे समाज में उसकी जो शक्ल पाई जाती है, मैं सिर्फ उसी पर गुफ्तगू करने पर इत्तेफाक करूंगा। तो बुनियादी तौर से नजर की दो किस्में हैं। बुनियादी तौर से हमारे समाज में नजर की दो किस्में पाई जाती हैं। उनमें से जो पहली किस्म है वो है किसी इबादत की, किसी इताअत की, किसी नेक काम की, किसी अच्छे काम की नजर मानना। ये उसकी पहली किस्म है। पहले हम इस पर गुफ्तगू करते हैं किसी नेक काम का नजर कैसे माना जाता है। मुख्तलिफ शक्लें हमारे समाज में उसकी पाई जाती है, खास तौर से औरतों के अंदर यह चीज मैंने बहुत ज्यादा देखा है। कोई बीमार है, हमने नजर माना कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर उसे शिफायाबी हासिल हो गई, मैं 2 दिन का 5 दिन का 10 दिन का रोजा नफली रोजा रखूंगा। हमारे सामने कोई परेशानी है, कोई मुश्किल है, हमने कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर ये परेशानी हमसे दूर हो गई, हमारी ये मुश्किल आसान हो गई, तो मैं इतना माल सदका और खैरात करूंगा तेरे रास्ते में। हमारा बच्चा स्कूल में है, हमने कहा हमारा बच्चा अगर पास हो गया 6 नंबर से तो मैं 2 रकात नफली नमाज पढ़ूंगा। मुख्तलिफ शक्लें इसकी हो सकती हैं। और आम तौर से ये कब होता है? जब हम परेशान हाल होते हैं, हमारे सामने कोई मसला खड़ा होता है, तो उस वक्त हमें याद आता है कि हम नजर माने। और ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं कि जब कोई परेशानी उनके सामने जैसे ही आती है वो फौरन नजर मानते हैं। अल्लाह ताला मेरा फला काम हो गया, मैं इतनी रकात नफिल पढ़ूंगा। मेरा फला काम हो गया, मैं इतना माल सदका करूंगा। मेरा फला काम हो गया, मैं फला मस्जिद में फला चीज सदका करूंगा। इस तरह से मुख्तलिफ शक्लें इसकी पाई जाती हैं। सामने कराम, सबसे पहले तो हम इसका हुक्म जाने कि ऐसा करना क्या शरीयत की निगाह में कोई काबिले तारीफ चीज है। जैसा कि मैंने इब्तदाई गुफ्तगू के अंदर बताया कि हमारी शरीयत ये नहीं चाहती है कि हम अपने ऊपर उन चीजों को वाजिब कर लें जो शरीयत ने वाजिब नहीं किया है। जब आपने कहा कि अगर मेरा फला काम हो गया तो मैं 2 रकात नफली नमाज पढ़ूंगा, गोया कि आप अपने ऊपर 2 रकात नफली नमाज को वाजिब कर रहे हैं, जो कि आपकी शरीयत ने वाजिब नहीं करार दिया था। आपने कहा कि मैं इतना माल सदका करूंगा अगर मेरा फला काम हो गया तो, वो सदका करना शरीयत की निगाह में वाजिब नहीं था, आपने उसको अपने ऊपर वाजिब कर लिया, जो कि शरीयत ने जिससे आपको आजाद कर रखा था। इसलिए इस उसूल की रोशनी में नजर मानने का जो हुक्म है वो जमहूर अहले इल्म के यहां मकरूह है। नजर मानना ये मकरूह है। मकरूह का मतलब ये होता है, मकरूह का मतलब हराम नहीं होता है, मकरूह काम का इंतकाब करने वाला गुनहगार नहीं होता है, लेकिन उसको छोड़ने वाला सवाब का मुस्तहिक ठहरता है।
अगर कोई काम कहा जाए कि फला काम मकरूह है, इसका मतलब अगर आपने वो काम अल्लाह की रजामंदी के लिए छोड़ा तो उस छोड़ने पर आपको अजर मिलेगा, और अगर आपने कर लिया तो आपको गुनाह नहीं मिलेगा। बोला कि अगर कोई किसी नेकी की नजर मानता है तो कोई काबिले तारीफ काम नहीं कर रहा है, वो मकरूह काम का इत्तेकाब कर रहा है, कर के उसे गुनाह नहीं मिलेगा लेकिन वो सवाब से महरूम रह जाएगा। नजर के मकरूह होने की बहुत सारी दलीलें हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात अहदीस को देखते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जिसे अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं। वो कहते हैं कि नहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिन नज़र, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजर मानने से मना फरमाया और कहा कि इन्नहु ला यरुद्दु शैयन व इन्नमा युस्तखरजु बिही मिन अल-बखील। इन्नहु ला यरुद्दु शैयन का क्या मतलब है? अगर कोई भलाई आपकी तकदीर में लिखी हुई है तो भलाई आकर के रहेगी, उसका नजर से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर कोई परेशानी आपके ऊपर आने वाली है तो ऐसा नहीं है कि आप नजर बांध देंगे तो परेशानी टल जाएगी। उस परेशानी को टालने के और असबाब हैं जो हमारी शरीयत ने बताए हैं, दुआ वगैरह, लेकिन नजर बांधने से वो परेशानी आपकी टल नहीं जाएगी। गोया कि आपके नजर बांधने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है तकदीर पर, जो लिखा है वो होकर रहेगा। ये जो आप नजर मांग रहे हैं ये एक लघु काम है, इससे आपको कोई फायदा हासिल नहीं होगा। वो इन्नमा युस्तखरजु बिही मिन अल-बखील। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे फरमाया कि जो ये आदमी नजर मान रहा है, दरअसल इस नजर के जरिया से उस बखील के जेब से निकलवाया जाता है। वो आदमी जो आम हालात में, खुशहाली वाले हालात में अल्लाह की इबादत नहीं कर रहा था, सदका और खैरात नहीं कर रहा था, नेक आमाल नहीं कर रहा था, जब किसी मुसीबत ने उसे आकर के दबोचा तब वो अपनी जेब ढीली कर रहा है, वो आदमी मुखालत करता था और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस तरह के हालात पैदा किए कि वो बखील आदमी को निकालना पड़ रहा है, बाकी उसका कोई फायदा नहीं है। इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिसके रावी हैं, वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तंज़िरु, नजर मत मानो, फइन्न नज़र ला युग़नी मिन अल-क़द्र शैआ, जो तकदीर है, तकदीर में जो कुछ भी लिखा हुआ है खैर और शर, नजर उसको टाल नहीं सकता है, वो होकर के रहेगा। وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ। लिहाजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह से वाज़े और सरीह अल्फाज में नजर से मना फरमाया। एक और हदीस है उसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्ना नज़रा ला युक़र्रिबु मिन इब्ने आदम शैअन लम यकुन अल्लाहु क़द्दरहु लहु। नजर मानने से आपको कोई ऐसी चीज नहीं मिल जाएगी जो आपके मुकद्दर में लिखी हुई नहीं है, जो लिखी हुई है वो मिल करके रहेगी, जो नहीं लिखी है वो नजर मानने से मिल नहीं जाएगी। वलाकिन नजरा युवाफिकुल कदर, हाँ ये जो आप नजर मानते हैं तो जो चीज आपको मिलती है वो दर हकीकत लिखी हुई थी इसलिए मिल रही है, और आप ये समझते हैं कि नजर मानने से वो चीज मिल गई, जबकि वो चीज मुकद्दर में लिखी हुई है, आप नजर नहीं मानते तब भी वो चीज आपको मिलती। فَيُخْرَجُ بِذَلِكَ مِنَ الْبَخِيلِ مَا لَمْ يَكُنِ الْبَخِيلُ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَ। बहुत सारे बखील लोग जो नेकी के आमाल नहीं करते हैं और नेकी के आमाल में मुखालत से काम लेते हैं, नजर के जरिए से उनसे निकलवाया जाता है। सामने कराम, पता ये चला कि नजर मानना हमारी शरीयत में कोई काबिले तारीफ चीज नहीं है और ना तो इसका कोई फायदा होता है, इससे कोई शर नहीं टलेगा, इससे कोई खैर नहीं आएगा, लिहाजा नजर मानना ये मकरूह है। यहां पर एक इश्काल किसी के दिमाग में ये आ सकता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इन अहादीस के अंदर सराहत के साथ नजर मानने से मना फरमाया है तो इसको मकरूह क्यों कहा जा रहा है, इसे हराम क्यों नहीं कहा जा रहा है? क्योंकि शरीयत में उसूल फिक्र का एक कायदा है
कि अगर कहीं पर रुमानियत आई है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से या कुरान के अंदर, तो उसका मतलब यह होता है कि वो चीज हराम है। लेकिन कायदा ये भी है कि अगर कोई करीना सालिबा हो वो तो चीज हुरमत पर दलालत ना करके वो कराहत पर दलालत करती है। और यहां पर करीना ये है कि कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नजर को पूरी करने वालों की तारीफ की है। कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है यूफूना बिन्नज़र, लोगों की बाज किस्म के लोगों की तारीफ करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि यूफूना बिन्नज़र, ये लोग ऐसे हैं जो नजरों को पूरा करते हैं। इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि खैरुकुम क़र्नी थुम्मा अल्लज़ीना यलूनहुम थुम्मा अल्लज़ीना यलूनहुम, सबसे बेहतरीन जमाना मेरा है, उसके बाद जो लोग आएंगे उन लोगों का जमाना होगा, उसके बाद तीसरे कर्न का जमाना होगा। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया थुम्मा यजीउ क़ौमुन यंज़ुरून वला यफ़ूर, फिर एक ऐसा जमाना आएगा कि लोग नजर मानेंगे और उसे पूरी नहीं करेंगे। गोया कि नजर को पूरी करने वालों की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तारीफ कर रहे हैं। लिहाजा ये तारीफ इस बात पर दलालत करती है कि ये हराम नहीं है, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी अहादीस की रोशनी में नजर मानना ये मकरूह है। सामने कराम, अब सबसे अहम सवाल ये है कि अगर किसी आदमी ने नजर मान लिया, अव्वल तो उसे मानना नहीं चाहिए था, लेकिन अगर वो नजर मान लिया और जिस काम पर उसने नजर माना था वो काम हो गया, उसने कहा था कि मैं अगर शिफायाब हो गया तो मैं 2 दिन का रोजा रखूंगा, मेरा फला काम हो गया तो मैं इतना माल सदका करूंगा, अगर उसका वो काम हो गया जिस पर वो नजर माना था, तो अब ऐसी सूरत में उसके ऊपर वाजिब है कि अपनी वो नजर पूरी करे। अगर वो पूरी नहीं करता है तो ऐसी सूरत में वो गुनहगार है कि वो इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे ऊपर वाजिब नहीं किया था, तुमने अपने ऊपर क्यों वाजिब किया, अब जब तुमने वाजिब कर लिया है तो उसे पूरा करो, अब अगर उसे पूरा नहीं करते हो तो गुनहगार हो और ऐसी सूरत में तुम्हें कफारा देना होगा। अगर कोई आदमी काम के होने के बाद मानी हुई नजरों को पूरी नहीं करता है तो गुनहगार है और उसे उस नजर का कफारा देना होगा। और उसका कफारा क्या है? उसका कफारा वही है जो कसम का कफारा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मन नजर आया असी अल्लाह फला यसी ही व कफारतु नजर कफारतु यमीन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में बताया कि नजर का कफारा वही है जो कसम का कफारा है। कसम का कफारा क्या है? कसम के कफारे को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत तफसील के साथ बयान फरमाया है इस आयत के अंदर। इरशाद है कि ला युआखिदुकुमुल्लाहु बिल्लग्व फी अयमानिकुम वलाकिन युआखिदुकुम बिमा अक़दतुमुल अयमान فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام। قسم کا کفارہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کے پاس 3 آپشن ہے فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم یا تو 10 مسکینوں کو آپ کھانا کھلاؤ या 10 मिस्कीनों को आप कपड़ा पहनाओ या 1 गुलाम आजाद करो। जाहिर है हमारे जमाने में गुलाम आजाद करने का ऑप्शन मौजूद नहीं है। गोया कि हमारे सामने 2 ऑप्शन बचा, या तो 10 मिस्कीनों को खाना खिलाओ या 10 मिस्कीनों को कपड़ा पहनाओ। इन दोनों ऑप्शन में से आपके पास इख्तियार है, आप कोई भी इख्तियार कर सकते हैं। और खाना 1 टाइम का खिलाना है। कसम के कफारे में खाना 1 टाइम खिलाना होता है और वो खाना जो आप खाते हैं, ना तो उससे कम ना तो उससे ज्यादा, जैसा कि कुरान करीम की आयत के अंदर ज़राहत के साथ है मिन औसत मा तुतीमूना अहलीकुम, वो एवरेज खाना जो आप अपने बच्चों को खिलाते हो वो खाना खिलाना है 1 टाइम का। या तो आप पका हुआ खाना खिला सकते हैं या खाने के लिए जो मटेरियल होता है 1 खुराक मटेरियल किसी फकीर और मिस्कीन को आप दे सकते हैं जो बना करके खा ले। इन 2 तरीकों से आप खाना खिला सकते हैं। और अगर आप खाना नहीं खिलाना चाहते हैं तो आप 10 मिस्कीनों को कपड़ा पहनाएं, वो कपड़ा जो आप पहनते हैं।
चाहे अगर औरत को दे रहे हैं किसी औरत गरीब औरत को, तो औरतों का कपड़ा जो आपके घर की औरतें पहनती हैं, और अगर किसी मर्द को दे रहे हैं तो मर्दों का कपड़ा जो आमतौर से आपके समाज और मुआशरे में पहना जाता है। तो ये पहले स्टेप में आपके पास दो ऑप्शन है, या तो 10 मिस्कीनों को खाना खिलाना या 10 मिस्कीनों को कपड़ा पहनाना। अब अगर इन दोनों की इस्तेदात आपके पास नहीं है तो आपके पास एक तीसरा ऑप्शन है, लेकिन जब इन दोनों की इस्तेदात ना हो तब आप तीसरे ऑप्शन पर जा सकते हैं। अगर आपके पास इस्तेदात नहीं है तो आप 3 दिन का रोजा रखिए। अगर पहला दोनों काम आप नहीं कर सकते तो आपको 3 दिन का रोजा रखना है। अब बहुत सारे लोग जो नजर मानते हैं, पहली बात तो शरीयत की निगाह में वो एक मकरूह अमल कर रहे हैं, और अगर नजर मानने के बाद उनका वो काम पूरा हो जाता है और वो नजर को पूरी नहीं कर रहे हैं तो वो एक हराम काम कर रहे हैं। उनके ऊपर नजर का पूरा करना ये वाजिब है, और अगर उस नजर को उन्होंने नहीं पूरा किया और इस हराम काम का इंतकाम किया तो उनके ऊपर नजर का कफारा देना जरूरी है, जो कि कसम वाला ही कफारा है जिसका मैंने अभी यहां पर जिक्र किया। सामने कराम, ये तो वो नजर हुई जो इबादत की, इताअत की, अच्छे कामों की नजर है जो कि मकरूह है, और अगर मान लिया नजर मान लिया तो उसे पूरा करना है। नजर की दूसरी किस्म है किसी गुनाह की, किसी मासियत की, किसी बदी की नजर मानना, जो कि हमारे समाज में कई सारे लोगों में आम है। अल्लाह ताला मेरा बच्चा अगर शिफायाब हो गया तो मैं फला कब्र पर चादर चढ़ाऊंगा, अल्लाह ताला मेरा फला काम हो गया तो फिर मैं फला दरगाह की जियारत करूंगा, मेरा फला काम हो गया तो अल्लाह ताला मैं फला दरगाह पर जाकर के ज़बीहा दूंगा, मेरा फला काम हो गया तो मैं मीलाद सुनूंगा, फला काम हो गया तो मैं कुरान खानी करवाऊंगा, फातिहा खानी करवाऊंगा। इस तरह के नजर भी हमारे समाज में एक तबका है जो मानता है, और इसको हराम नजर कहा जाता है। इसका हुक्म मकरूह का नहीं है। पहला जो है, पहली किस्म नजर की जो कि इबादत और इताअत के बाद में है, वो जब वो मकरूह है तो ये नजर तो मासियत है, ये हराम के काम पर है, लिहाजा ये मकरूह नहीं, ये हराम है। अगर कोई इस तरह का नजर मानता है तो उसका नजर मानना हराम है, और उसका हुक्म ये है कि सबसे पहले तो वो तौबा करे उस हराम काम पर, और दूसरा हुक्म ये है कि वो उस नजर को पूरी नहीं करेगा। फला काम हो गया, मैं कुरान खाली करवाऊंगा घर में, मैं मिलाद करवाऊंगा, मैं फला हराम काम करूंगा, अगर उसका काम हो गया तो उसके लिए उस नजर को पूरी करना ये हराम है, लेकिन अलबत्ता उसके ऊपर ये वाजिब है कि नजर का कफारा दे। अल्लाह के नबी ससन की हदीस है कि अन्नदरो नजरान, नजर की दो किस्में हैं, फमा कान लिल्लाह फकफारतुहु अलवफा, जो नजर अल्लाह के लिए हो यानी हलाल कामों में हो तो उसका कफारा यह है कि उस नजर को पूरी किया जाए। वमा कान लिशैतान फला वफा फीहे, जो नजर शैतान के लिए है यानी हराम कामों में है उसे पूरा नहीं करना है। वअलैहि कफारतु यमीन, लेकिन उसके ऊपर नजर का कफारा देना वाजिब है। मतलब यह हुआ कि अगर कोई आदमी हराम काम की नजर मान रहा है तो गुनहगार है, उसे तौबा करना चाहिए पहले, और अगर उसका वो काम हो भी गया जिसके लिए उसने नजर माना था तो उस नजर मानी हुई चीज को करना उसके लिए हराम है, क्योंकि पहले से वो मासियत है, पहले से वो हराम है। लेकिन ऐसी सूरत में उसके ऊपर कफारे से उसे छुट्टी नहीं मिलेगी, उसे कफारा देना है, हर हाल में उसे नजर का कफारा देना है। सामने कराम, बहुत सारे लोग नजर के बाप में जब ये बात उन्हें बताई जाती है कि अगर आपने मिलाद माना नजर में, आपने कब्र पर चादर चढ़ाने को माना, आपने किसी दरगाह पर ज़बीहा देने को नजर माना तो ये हराम है, ऐसी सूरत में वो आपके सामने ये इश्काल पेश करते हैं कि भाई ज़बीहा तो इबादत है, हम अल्लाह के नाम पर ज़बह कर रहे हैं, इसमें कौन सी बुराई है, हम
जमा करके उसे कोंगड़ा और मसाकीन को खिलाएंगे, इसमें बहुत सी बुराई है। अगर हम अपने घर में मिलाद मना लेते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर कर लेते हैं, तो इसमें कौन सी बुराई है? ये तो इबादत है। या इसी तरह से अगर हम कुरान खानी करवा लेते हैं, तो कुरान पढ़ना तो इबादत है। इस तरह से बहुत सारे काम जो वो करते हैं, और जो काम असलन इबादत है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये जो तरीका है, ये तरीका उनका जायज नहीं है। लिहाजा इसका जवाब यह होगा कि हमारी शरीयत में जिस तरह से शरीयत के अंदर इबादत में असल तौकीफ है, उसी तरह से इबादत की कैफियत में और इबादत की सिफत में भी असल तौकीफ है। यानी जिस तरह से इबादत का साबित होना यह जरूरी है, उसी तरह से उस इबादत के करने का जो तरीका है, वो तरीका भी साबित होना जरूरी है। अगर कोई आदमी अपने तरीके पर इबादत कर रहा है, किसी खास कैफियत पर इबादत कर रहा है, तो उसके लिए दलील चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि कुरान पढ़ना इबादत है, लेकिन कुरान खानी के लिए जो एक खास कैफियत ईजाद की गई है, वो कैफियत साबित होना जरूरी है। नमाज पढ़ना इबादत है, लेकिन अगर कोई आदमी कहे कि मैं अपनी नमाज में रुकू के अंदर एक रुकू के बजाय दो रुकू करूंगा, भाई रुकू इबादत ही तो है। मैं दो सजदे के बजाय एक रकात में चार सजदा करूंगा, इबादत ही तो है। इसका मतलब यह हुआ कि वो एक खास कैफियत ईजाद कर रहा है, जबकि नमाज असलन तो मशरू है, लेकिन इस खास कैफियत के ईजाद करने की वजह से वो चीज हराम है। लिहाजा अगर कोई आदमी ऐसी इबादत की नजर मानता है जो असलन वो हलाल है, लेकिन उस इबादत के अंदर कोई ऐसी कैफियत ईजाद की जा रही है जिसकी दलील हमारी शरीयत के अंदर किताब व सुन्नत के अंदर नहीं है, तो ऐसी इबादत भी हराम है। लिहाजा ऐसी चीज की नजर मानना ये हराम है। वैसे तो असलन नजर मानना मकरूह है, लेकिन यहाँ पर नजर की यह किस्म हराम हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत शुक्र और एहसान और उसका फजल है कि हम सलफियों के अंदर, अहले हदीसों के अंदर आम तौर से ये किस्म आपको नहीं मिलेगी, इल्ला माशाअल्लाह। अगर कोई जहालत की बुनियाद पर करता हो तो अलग बात है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें भी हिदायत दे, वरना हमारे अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज नहीं पाई जाती है। लिहाजा आज के खुतबे में जो सबसे अहम चीज आपके लिए जानने की है, नंबर एक, नजर मानना ये मकरूह है, ये हमारी शरीयत में कोई काबिले तारीफ चीज नहीं है। अगर हम सवाब की नीयत से इस काम को तर्क करते हैं, तो हमें उस पर अज्र मिलेगा। दूसरी बात ये कि अगर हम नजर मानते हैं और ये समझते हैं कि हमारे नजर मानने की वजह से हमें कोई खैर मिल जाएगा या कोई मुसीबत टल जाएगी, तो ये हमारी खाम ख्याली है, जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया, नजर मानने से ना तो खैर मिलेगा ना तो शर टलेगा। तीसरी बात ये कि अगर आपने नजर मान दिया और कोई जायज और मुबाह इबादत और इताअत वाली नजर है, ऐसी सूरत में वो चीज आपके ऊपर वाजिब हो गई, उसे करना आपके लिए जरूरी है। अगर उसे आप नहीं करते हैं, तो ऐसी सूरत में नजर का कफारा देना आपके ऊपर जरूरी है, या तो 10 मिस्किनों को खाना खिलाना या 10 मिस्किनों को कपड़ा पहनाना। अगर इन दोनों की इस्तेआत नहीं है, तो 3 दिन का रोजा रखना। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को दीन की समझ अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपने दीन को उसी तरह से समझने की तौफीक अता फरमाए जिस तरह से अल्लाह के नबी सल्लम हमारे पास लेकर के आए थे। हमें किताब और सुन्नत की इत्तेबा की अल्लाह रब्बुल आलमीन तौफीक अता फरमाए। दीन के अंदर इब्तिदा से बिदात और खुराफात से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें महफूज रखे। वा आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।